रेस्पेक्टेड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेंटेंस तो हमने पढ़ा है, इसकी एसर्टिव और काइंड्स ऑफ सेंटेंस के एसर्टिव और इंट्रोगेटिव भी हमने पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको कुछ रिकैपिटुलेट करने की कोशिश करूँगा। देखो, जिस तरह सेंटेंस को हम सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंटेंस, सेंटेंस एक अल्फाज का एक मजमुआ होता है जिसमें एक कंप्लीट मानी होगा। यह सच अख अल्फाजन हूँ अख अख तुथ जोड़ आसान यथ स मानी आस अगर तथ मानी आस कह अगर स अल्फाजन हूँ जोड़ आस ते सन से गोन सेंटेंस कहें इत कन मैंने आपको पहले इसके बारे में सिखाया है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंस। एसर्टिव, जो एक स्टेटमेंट होता है। इंट्रोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन किए जाते, क्वेश्चन पूछे जाते, जिन सेंटेंसों में क्वेश्चन सवाल किया गया हो उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे पहले एसर्टिव में दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, एक होता है एफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। एफर्मेटिव एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें आकार्या हो, आकार्या जुमला, जैसे सनराइज इन द ईस्ट, इस हकीकत में कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। ये एक ऐसी हकीकत है जो न तब्दील होने वाली चीज़ है। मैन इज़ मॉर्टल, मैं इंसान फानी है। इसी तरह अर्थ इज़ राउंड, ये कभी फ्लैट नहीं बन सकती है। इन चीज़ों को, इन ऐसे अल्फाज को हम असर्टिव एफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसी तरह लिविंग थिंग्स नीड फूड वाटर एंड आयर, लिविंग जानदार हसा ज़रूरत आबच गुजहच तो बे हवहच, ये भी एक ऐसी हकीकत है। इन इन चीज़ों को हम एसर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं, एफर्मेटिव। इसी तरह यहाँ नेगेटिव सेंटेंस भी, ये हमने पढ़ा है लेकिन फिर भी मैं आपको फिर याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ ये जिस तरह मैंने लिखा था कि अर्थ इज़ राउंड, अगर मैं लिखूँगा अर्थ इज़ नॉट राउंड, वो हकीकत नहीं है। इस तरह यहाँ कि अर्थ इज़ नॉट प्लेनेट, अर्थ इज़ नॉट स्टार, अर्थ इज़ नॉट स्टार, ज़मीन को हम तारा नहीं कहते, ज़मीन तारा नहीं है। इन सो तारुक कें तारा। अच्छा, मून इज़ नॉट प्लेनेट, जून नस प्लेनेट कें क्योंकि वो स्टेलाइट है। इसी तरह वाटर हैज़ नो कलर और टेस्ट, आबस नस कह रंग आसान, जो प्योर वाटर होता है तथ कह रंग आसान कें नश कह मज़ा आसान। जो ऐसा पानी है वो प्योर होता है, ये एक हकीकत है, लेकिन यहाँ नाट का इस्तेमाल किया गया। जैसे जिन अल्फाज में नाट नाट हो, नार हो, ऐसे अल्फाज को नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, नेगेटिव। अच्छा, इसी तरह जो इसका दूसरा सेंटेंसेस का जो दूसरा काइंड है, जो दूसरा कस्म है, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ये बिगनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब्स होता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब्स डिड को कहते हैं, कुड और वगैरह। डिड यू नो हिम, क्या आप इसको जानते हो? कुड यू कैच हिम, क्या इसका आप इसको पकड़ सकते हो? आर यू रेडी फॉर एग्ज़ाम, क्या आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो? ये अल्फाज, ये जुमले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इसी तरह इंट्रोगेटिव का दूसरा किस्म होता है जो बिगनिंग विथ क्वेश्चन वर्ब से होते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है? हु इज़ योर फादर, आपका बाप कौन है? हाउ ओल्ड आर यू, आप कितनी उम्र के हो, यानी वंस कज़ाशी। वाई आर यू लेट, आपको क्यों ये, देखो व्हाट
व्हाट हू हाउ व्हाई एट्सेट्रा, दीज ऐसे जुमलों को भी ऐसे जुमलों को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज़ भूल गया है, इन जुमलों के आखिर में इंट्रोगेटिव नोट ऑफ इंट्रोगेशन का इस्तेमाल किया जाता है, इनको मैंने किया है। इस तरह ये हमने पहले सीखा था, अब मैंने इसको दोबारा आपकी याद दहानी के लिए मैंने फिर रिपीट किया। इसी तरह जो तीसरा सेंटेंस है, सेंटेंस का कसम, इनको इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस में आत्मशासन, इसमें ऑर्डर होता है, इसमें रिक्वेस्ट होती है, इसमें एडवाइस होती है। तीन किस्म के सेंटेंसेस इस जिस जिन चीज़ों जिन सेंटेंसों को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, इनमें तीन किस्म के सेंटेंस होते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर जैसे स्टैंड अप, ये कोई बड़ा छोटे के लिए इस्तेमाल करता है, कोई फौजी कमांडर अपने फौजी के लिए इस्तेमाल करता है, उस्ताद अपने शागिर्द के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, बाप अपने बच्चों के लिए बेटे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इन ऐसे अल्फाज को हम ऐसे अल्फाज इम्परेटिव सेंटेंस में ही शुमार किए जाते हैं। जैसे स्टैंड अप, कीप क्वाइट, कम इन, गो अहेड, अच्छा इस तरह एक्स्ट्रा, ऐसे अल्फाज ये ऑर्डर ऑर्डर इनमें दिया जाता है। दूसरा किस्म इसमें होता है रिक्वेस्ट, ये छोटे अपने बड़ों को करते हैं, जैसे शागिर्द अपने उस्ताद से पूछते हैं, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये रिक्वेस्ट है। इसी तरह प्लीज़ गिव मी योर पेन, कभी दोस्त दोस्त को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं अदब एहतराम से, मेहरबानी करके मुझे अपना कलम दीजिए। हेल्प मी प्लीज़, किसी की मदद की ज़रूरत होती है, वो उस प्लीज़ को इस्तेमाल करके ये इसका मतलब ये इस सेंटेंस को रिक्वेस्ट में तब्दील करता है। अगर हेल्प मी ही हम इस्तेमाल करेंगे तो ये ऑर्डर बनता है, जब हम इसको प्लीज़ लगाते हैं तो ये रिक्वेस्ट बनती है। इसी तरह इसका जो तीसरा किस्म होता है वो एडवाइस, जैसे डोंट प्लक फ्लावर्स, एडवाइस उस्ताद बच्चे के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे को भी करता है, यानी अपने शागिर्द शिकरा से एडवाइस। इसी तरह डॉक्टर मरीज़ को एडवाइस करता है, जब डॉक्टर किसी को वो नुस्खा लिखता है, सचिन तिमिस ऑर्डर देवा कि ना, वो रिक्वेस्ट होती है, वो एक एडवाइस होती है। इसी तरह यहाँ मैंने दो तीन सेंटेंसेस लिखे हैं, डोंट प्लक फ्लावर्स, वो वश चाटन से गसन वश से गसन चाटन की, इट इज़ एन ऑर्डर। एडवाइस, डू नॉट टेक मेडिसिन बिफोर मील्स, दवा न से गसन खून की खन चन वरि न से गसन दवा खून की। डोंट डर्टी योर हैंड्स क्लोथ्स और बुक्स, पनिन अथ पलव या किताब न से गसन न गंद करनी की, तो मुझे गसन साफ था, यानी अमुक मानी इट इज़ एन एडवाइस, ये अख उस्ताद बनत पे शागिर। एक डॉक्टर अपने मरीज को कहेगा कि सनस खीजन दवा तोतम कि जब तक ना आप कुछ कहसा ईत कालस नी खाली म्याद न खीजन दवा कि। इसी तरह डोंट प्लक फ्लावर्स, ये बड़ा छोटे को कह सकता है, पोश नस गसन चढ़ कि। ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस तरह मैंने आपको फिर ये रिपीट किया कि सेंटेंस किस चीज़ को कहते हैं, और काइंडनेस ऑफ सेंटेंसेस में जो मैंने पहले बताया, इसी तरह दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, इन चीज़ों को आप खुद भी किताबों में देख सकते हैं और याद भी करना ज़रूरी है। अब इस सेंटेंस का आखिरी जो रहा है वो आइंदा वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, थैंक्स।